Where did I keep it here? I'm always forgetful, man. I don't know where I keep half of the things, and I'm always searching, and I always get late because of that. Let's forget that. Hey friends, good afternoon. Welcome to my channel. It's Paul once again. Hope you all are doing amazing. Today, it's nothing special could special me, hey, but the special thing about today is it's Friday, guys, and we are desperately waiting every week for Friday, and when Monday comes, it's all like, again, it's Monday. When it's Friday, it's like, yeah, it's Friday, right? So, it's an energy, but okay, and then it's Monday, like, again, Monday, yeah. Sick leave maru ya chutti maru ya kya maru, that's always there. Okay, so I was thinking this from long time back, what was I thinking? Yeah, I forgot again. Okay, fine. Yeah, so what I was thinking was mera scooty ka, मेरा तो नहीं एक्चुअली पापा के नाम पे, सो स्कूटी का पोल्यूशन रिन्यूअल डेट वॉज ओवर. सो कब से सोच रहा था बनाऊंगा रिन्यू करवाऊंगा क्योंकि रिन्यू करवाना है. अगर पकड़ लिया तो बॉस इट्स लाइक आई डोंट नो 3,000 or 5,000 चलान भरना पड़ेगा. इसीलिए आज सोचा कि आज बना ही लेता हूँ. कल इज टुमारो सैटरडे, सो नॉट श्योर आई कैन गेट अप अर्ली और नॉट. आज थोड़ा जल्दी उठ गया, इट्स जल्दी भी क्या यार, इट्स ऑलमोस्ट 3, कम ऑन. ठीक है, सो अभी जाएंगे आपका पोल्यूशन का पेपर रिन्यू करवाने के लिए, एंड आई बी गोइंग माई फ्रेंड. यार देख ही होंगे हैंडसम लड़का को. हेलो दोस्त, क्या हाल है? इतना अरे यार भाई बता भी तो, इतना हैंडसम होने के पीछे राज क्या है यार? Hi there, how are you? कैसे हो आप लोग? तो कैसे हो आप लोग? अरे ये तो कैरी मिनाटी का डायलॉग है भाई. वाह बढ़िया है, शायद कैरी मिनाटी की तरह ही मेरे को भी लाइक 20-30 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाते तो बहुत ही बढ़िया हो जाता. एंड व्हाट्स स्पेशल, अगेन नथिंग स्पेशल. ठीक है, तो फिर सिंस टुडे इज फ्राइडे एंड माय मॉम एंड डैड इज होम, व्हिच इज अ रियली हैप्पी न्यूज फॉर मी. मेरे लिए बहुत ही खुशी का, क्योंकि अभी मेरे को पकाने का टेंशन नहीं रहेगा. मम्मी पापा रहेगा, बिंदास सोएंगे, घूमेंगे, खाएंगे और फिर से सोएंगे. ए, पापा जी लेटे, हमेशा ही लेटे हुए हो दे क्या यार? थोड़ा एनर्जी दिखाओ पापा जी, लेटे हुए हैं क्या है यार? मैं उठा के, सॉरी गाइस, ब्लैंकेट का हाल यही है. जैसे मैं उठा तो पापा लेट गए. एंड ये देखिए, अरे ये देखने की वजह भाई अकाउंट से लॉगिन कीजिए यार, मेरा व्लॉग देखिए, व्यूज बढ़ा दीजिए, वॉच टाइम बढ़ा दीजिए. क्या करते हो आप भी यार, क्या करते हो आप भी? कुछ काम नहीं है आपका? नहीं काय नहीं है, उठिए कुछ तो कीजिए. अरे यार हमेशा लेटे हुए रहते यार, हफ्ता भर तो बेचारे काम करते ही रहते हैं. सो घर आते वक्त ही उनका थोड़ा लेटना होता है. सो अभी मैं कुछ ढूंढ रहा था गाइस, एज यू सॉ कुछ कपड़ा ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था. तो अभी हम लोग रवाना होते पोल्यूशन के लिए, क्योंकि पता नहीं भाई कितना बजे बंद होता है, नहीं होता है. मेरा दोस्त भी बोरिंग हो गया होगा. ठीक है, मिलते हैं रास्ते में. आप लोग के साथ बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड, आई कैच यू इन अ व्हाइल. गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं प्रोजेक्ट पोल्यूशन पेपर रिन्यूअल के अभियान में. तो देख रहे हैं ये रास्ता है, ओ शिट, सर पहले भी देखी हुई है. अपना सीढ़ियों के मंजिल पार करते हुए बीच गांव से निकल रहे हैं सड़क. ऊपर मामा और मामा की बेटी कहीं से आको की गोको बजन वो को बाय. सो वो लोग भी निकल रहे हैं बाजारो. भाई साहब यहाँ पे मेरा धन्नो को निकालना पड़ेगा वहाँ से. और आई एम यूजिंग माय डेड कैट आफ्टर लॉन्ग टाइम.
नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स अ डेड कैट. कुछ नहीं है, शॉटगन माइक है और जो विंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिलते हैं ना फरी फरी, सो उसको बोलते हैं डेड कैट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डेड कैट. थोड़ा अरेंज कर लूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. और यहाँ पे है अपना गांव का कांची चिची का रेस्टोरेंट, द कांची रेस्टोरेंट. अगर आप आलूबारी टू जोरबंगला, जोरबंगला टू आलूबारी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो रुकना है यहाँ पर भाई लोग, और मस्त लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो तो कांची चिची के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो दुकान कितने बजे खुलते हैं. तो ये रहा हम लोग का ब्यूटीफुल कांची चिची और इनका दुकान. और गाइज तो बहुत कुछ मिलता है एंड द रेट इज रिमेन, ट्रस्ट मी द टेस्ट इज अमेजिंग भाई. एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे. नो वन कैन ईट जस्ट एक प्याला, दो प्याला तो होना ही है, ठीक है. और यहाँ पे अपना पसंग का नाम है, सो यू मस्ट हैव सीन देम इन माय व्लॉग्स मेनी टाइम्स. और प्राय प्राय व्लॉग में आ ही जाते हैं, सो किस्मत कनेक्शन बोलते हैं ना जिसको, गाइस वही लगता है, ठीक है. सो अभी हम लोग निकलते हैं. सो गाइस जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैं बहुत ही भुलक्कड़ हूँ, अभी भी सड़क आया, सब कुछ किया, जैसे कि आपने देखा कि कांची चिची का दुकान दिखा रहा था. और भाई साहब स्कूटी निकालते वक्त चाबी नहीं है, फिर से घर गया चाबी लेके आया. अभी वी आर रेडी टू गो, सो आई एम हैंडिंग दिस ओवर टू रेंडो बिकॉज आई विल बी राइडिंग इट. तो ये रास्ता आप लोगों ने देखा होगा जब स्नोफॉल हुआ था, तब ये पूरा एंटायर थिंग ये स्नो से भरा हुआ था. अभी देखिए कितना हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही हरियाली है और थोड़ा हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रहा है. पता नहीं मेरा आवाज़ कितना आ रहा है, जितना हो सके मैं ज़ोर से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ. तो ये जो गाइस जो मैंने ये लगाया है, अभी जो माउंट किया है, उसमें एक्चुअली अभी कितना विंड का ये कैन ब्लॉक इट द साउंड, the wind waves, I don't know, it's called something, I'm not getting the exact word, but अभी मालूम पड़ेगा कि आवाज़ में कितना clarity है. Since I haven't mounted any, you know, earphones or headphones, so this is the direct source of sound. एंड गाइस व्लॉग को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए रास्ता को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे से कुछ आ गया है सो ध्यान भटक ना जाए, क्योंकि ध्यान भटकी दुर्घटना घटी. सो वी हैव रीच जोरबंगला गाइस, हम लोग जोरबंगला पहुंच चुके हैं. एंड यू कैन सी द वेदर इन जोरबंगला इज ऑलवेज लाइक दिस यार. सो मैं ऑलवेज बोलता हूँ ना दार्जिलिंग में, मतलब जोरबंगला का ये वेदर ना 80% थ्रू आउट द ईयर बॉस, एब्सोल्युटली क्लियर, तभी ऐसा मौसम नहीं रहेगा शायद, बट इट विल डेफिनेटली बी कोल्ड, उतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ यार. पता नहीं जोरबंगला घूम का ये क्या पंगा है ना भाई. ओ भाई साहब इसी तरह चलेंगे तो कब पहुंचेंगे देखते हैं भाई. 10 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हम जाम में फंसे हुए. यू कैन सी आगे तक, देखो आगे तक ही जाम मिलेगा आपको. तो पता नहीं आस्ते आस्ते करके चल रहा है, होप जाम खुल जाए. तो अभी भी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, तो फिर मैं बता दूं आपको कि ये जाम किस लिए है भाई. देखिए सामने पुलिस स्टेशन है, ठीक है, और पुलिस स्टेशन के बगल में एक तो पुलिस का ही गाड़ी है. अब पुलिस अपना गाड़ी वहाँ मेन रोड पे पार्किंग करा हुआ है, और बिकॉज ऑफ दैट अब कैसे करके आना पड़ रहा है. एंड द रोड इज़ वेरी नैरो, ठीक है, दो गाड़ी मुश्किल से एक साथ निकल सकता है. अगर एक बस और एक तो बड़ा सुमो आ गया हो ही गया, ठीक है. और हम लोग का आगे है एक तो बड़ा सा आर्मी का ट्रक,
तो भाई पुलिस वाले वैसे करके गाड़ी रख दे तो फिर मतलब क्या बनता है यार। ये है ये सो ट्रेनिंग स्कूल है, एक्चुअली मोटर ट्रेनिंग स्कूल है। सो हम लोग यहीं पर अपना पोल्यूशन रिमूव करेंगे। और बता दें कि आपको भाई ये हम लोग का मतलब बहना जो है सो बोलते दीदी का जीजा जी। सो गाइज मैं जहाँ पे हूँ अभी पोल्यूशन के लिए जा आया था। सो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्कूल भी है विच इज़ डी जे मोटर ट्रेनिंग स्कूल विच इज़ इन हिलकार रोड बतासिया। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है गाइज। सो अगर आप लोगों को गाड़ी सीखना हो, इफ यू गाइज वांट टू यू नो ड्राइव ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए, अगर क्या बोल रहा हूँ मैं यार पता नहीं यार, अगर आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए ड्राइविंग के लिए तो सीधा यहाँ आइए, इस नंबर पर संपर्क करें, बताइए, रजिस्टर कीजिए, सीख लीजिए। ओके गाइज पोल्यूशन पेपर इज डन, देखिए रिन्यूअल हो चुका है। अभी हम लोग सोच रहे कि इस साइड जाए ना इस साइड जाए, आए थे इस साइड से जोर बंगला के वहाँ पर, अभी जाम तो देख गया। इस साइड से जाएंगे तो फिर मतलब 5-7 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ठीक है। सो कहाँ पर जाने, यहाँ पर जाने, ओके ठीक है। चलो फिर गाइज अभी हम लोग लौटने वाले हैं डी और मैं, ठीक है। तो हम लोग इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे, बने रहिए, लेट्स सी क्या होता है, क्या काम होता है, अगर कुछ होता है तो चला ही लेंगे। राइट गाइज अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटते घटते मैं बचा। सो यस इट कुड हैव बीन अ बिग एक्सीडेंट, आई थिंक माय लक वाज गुड, सो यू नो नथिंग रियली बैड हैपेंड टू मी। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, आई रीच्ड नियर रिलायंस वेयर देयर वाज लॉट ऑफ जैम, जो ट्रैफिक था टुवर्ड्स मार्केट। सो रिलायंस ट्रेंड्स के वहाँ पर बहुत लंबा लाइन था, ठीक है। सो मैं क्या किया, अपना स्कूटी निकाल के टान लिया। जब मैं टान रहा था भाई साहब, गाड़ी के बीच में से एक बंदा ऐसे निकला, मतलब एकदम बिल्कुल जब मैं पास था ऐसे निकला ना भाई, दोनों ब्रेक हम फट से लगाया, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, एक तो माइनर सा मतलब जैसे धक्का से लगा, बट व्हाट हैपेंड माय यू नो टायर स्लिप, जो बैक का टायर है वो स्लिप हो गया बिकॉज ऑफ द फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक है, आई जस्ट यू नो ग्रिप्ड इट। सो ऐसे ग्रिप किया, पीछे का मतलब टायर स्लिप, और मैं और मेरा दोस्त ढेंडुक दोनों स्लिप खा के हल्का सा गिर गया, उतना ज़्यादा चोट नहीं है, हल्का सा गिर गया, मेरा घुटना में थोड़ा लगा बट हाँ अभी ठीक हुआ, उस वक्त थोड़ा दर्द हो रहा था अभी ठीक हो गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, इट कुड हैव बीन यू नो अ बैड एक्सीडेंट, लकीली उतना यू नो बैड नहीं हुआ। सो क्यों एक्चुअली हम लोग तो ऊपर जाने वाले थे, बट द जाम दैट यू सॉ वो बहुत नीचे तक आ गया था, जो हम लोग समझ गए कि भाई जाम अब मेरा वहाँ जोर बंगला के वहाँ से था बतासिया पहुँचने वाला था, ठीक है। सो हम लोग जाते ऊपर तक था, अब नीचे तक जाम आ गया। सो वी थॉट लाइक भाई यहाँ से नहीं होगा, सो लेट्स टेक अ लॉन्गर रूट, लॉन्गर रूट शायद इसी के ले ही आना था भाई एक्सीडेंट किया, बट वी केम द लॉन्गर रूट एंड वी मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट। अभी मैं वेनिस में बैठा हुआ हूँ, सो लेट्स ऑर्डर अ टी फॉर नाउ, माय फ्रेंड इज हियर एज वेल। सुधा, सो हियर इज वेनिस कैफे, इट्स ओके गाइस लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द फेमस एंड वेरी ओल्ड कैफे, ठीक है, दार्जिलिंग का। इट्स राइट बैंक ऑपोजिट टू आपका बिग बाजार मॉल, ठीक है। सो ये देखिए सब लोग बैठे हुए अपना चाय अपना गप शप लड़ा रहे, कोई फैमिली के साथ, कोई दीदी के साथ भी, कोई साथ चला सकता। ऑलराइट गाइस पहुंच चुका हूं अभी मैं घर, सोचा था कि छोटा सा ही टूर होगा लेकिन कुछ लंबाई हो गया। ओके तो देखिए भाई साहब सुबह से पड़े हुए, जब मैं घर से निकला था तब भी पड़े हुए थे, अभी भी पड़े हुए, बढ़िया है मेरे पापा बहुत, पता नहीं क्या लेजी बोलूँ या उनका सुस्ती बोलूँ, ठीक है।
हाँ लेट मी ओपन दिस हेलमेट यार। ओके गाइस, तो होप कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जब वीडियो देख ही चुके हो तब वहाँ जाके सब्सक्राइब बटन में दबाई दीजिए फिर से एक बार, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके इजीली, दैट यू नो इफ व्हेन आई रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज गो अहेड, डू क्लिक ऑन सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुदा हाफिज़, सबा खैर, बाय बाय एंड कीप रॉकिंग।